एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। सो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बट उससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं कोई मेकअप नहीं करा हुआ है एक्सेप्ट माय लिपस्टिक एंड लिटिल बिट मस्कारा, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इससे पहले पॉन्स फेशियल किट का वीडियो शूट किया था और मैंने फेशियल किया है। मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, वो फेशियल किट काफ़ी अच्छा था, तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरी स्किन को ख़राब करना भी मेकअप लगा के। तो इस वजह से मैंने सिर्फ लिपस्टिक मस्कारा यूज़ किया। लिपस्टिक यहाँ पे मैंने यूज़ करी है स्टे कोकी की, ये लिपस्टिक इन दी शेड किस यू शुडंट मिस 18। तो या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करना भूल जाती हूँ मैं हर बार, बट इससे पहले मैं बता दूँ आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। तो मैं यहाँ पे मेरे टॉप 10 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रही हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ मैं शो ऑफ के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो एक्सपेंसिव है, और मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत चीप है, बहुत ही सस्ती भी है। तो मेरे को प्राइस मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर करती है चीज़ की क्वालिटी और मेरी खुद की पसंद। तो मैंने अफोर्डेबल में भी बहुत सारी वीडियो शेयर करी है, इवन मैंने अपना चीपेस्ट मेकअप भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और यहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो बेसिकली मैं बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ों का रिव्यू करूँगी और कुछ चीज़ें जो मेरे दिल के करीब भी हैं। सो आई होप आपको पसंद आएगी ये वीडियो। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा परफ्यूम शेयर कर रही हूँ। यू गाइज नो दैट, अगर फॉलो कर रहे हो पहले से, तो आई लव परफ्यूम। मैं परफ्यूम की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, स्पेशली हाई एंड परफ्यूम की। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा जो एक्सपेंसिव परफ्यूम है, आई थिंक मेरे पास काफ़ी सारे हैं, मुझे एग्जैक्टली सबके प्राइजेस नहीं याद है, बट यहाँ पे ये वुलगारी का गोल दिया एडिशन। मैं इसको बहुत ही स्पेशल ओकेजन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक्सपेंसिव है समवेयर अराउंड 10,000 और मोर देन 10,000 का। सेम इसी तरह मेरे पास ये एस्टी लॉडर का भी है, एस्टी लॉडर सेंशियस, बहुत अमेजिंग है। आप देख सकते हो थोड़े थोड़े से खाली हुए हैं, ये पर्पल से लिए थे मैंने, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक्सपेंसिव है। मैंने बताया 10,000, मोर देन 10,000 के आसपास की रेंज है। इसके अलावा आप मेरा परफ्यूम कलेक्शन का वीडियो भी देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, शायद उसमें मैंने प्राइजेस मेंशन किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा मैं इसके थोड़ी सी ना, ओ माई गॉड दिस इज सो गुड, इसका ब्लैक एडिशन जो है ना, ब्लैक गोल्ड एडिशन, वो भी बहुत अमेजिंग है, ये बहुत अच्छा है। मैं डेफिनेटली अभी शॉपिंग करूंगी मेरे परफ्यूम के लिए भी, मुझे बहुत पसंद है परफ्यूम। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो एक स्किन केयर में है, वो है ये फोरियो का लूना 3। यस गाइस, आई हैव दिस, ये है काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट ये मुझे फोरियो ने सेंड किया था इन माई PR। सो ये फोरियो लूना 3 है, तो फोरियो में लूना, लूना 2, लूना 3 काफ़ी सारे हैं। सो ये जो है, इट्स अ क्लेंजिंग फेशियल ब्रश और मसाजिंग ब्रश दोनों ही। ये मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत अमेजिंग रहा है, और मैं इसे यूज़ भी करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके जो सिलिकॉन ब्रशेज हैं वो इतने अमेजिंग हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। यहाँ पे आप देखोगे थोड़े से बड़े ब्रशेज हैं, सिलिकॉन ब्रशेज, क्योंकि ये आपके जो हार्ड एरियाज होते हैं, लाइक इधर का हो गया या यहाँ का एरिया हो गया, उसको उसके उधर के चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी शेप ऐसी है कि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। मैं इसे यूज़ करती हूँ टू क्लीन माय मेकअप, मेकअप को क्लीन करने के लिए मैं क्लिनजिंग बाम यूज़ करती हूँ, समटाइम्स ऑयल यूज़ करती हूँ, समटाइम्स फेस वॉशेज यूज़ करती हूँ। बट मेकअप आपकी काफ़ी अंदर स्किन तक चला जाता है, और ज़रूरी नहीं कि आप हर बार क्लिनजिंग बाम या मेकअप से रिमूव कर दें, काफ़ी हद तक वो रिमूव हो जाता है। बट अगर आपको चाहिए डीप क्लीनिंग आपको मिल जाए, सो दिस इज सो गुड यू गाइज। इसने ना मतलब स्किन केयर लेवल को नेक्स्ट लेवल, स्किन केयर गेम को नेक्स्ट लेवल लेके गया। तो इसके पीछे यहाँ पे इस तरीके के जो है, इससे मसाज बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये अपलिफ्टिंग में, फॉर्मिंग में एंड आपकी स्किन को टाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है ये। इस तरीके से मैं इसे अप्लाई करती हूँ, मसाज करती हूँ जब भी मैं फेस वॉश कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेकअप के पार्टिकल्स फेस पे रह जाएंगे। इसको यूज़ करने के बाद 110% श्योर मैंने कितने ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए हों, ये फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और इसे आपको यूज़ करने के लिए गाइज, ये कनेक्ट होता है आपके फ़ोन से, इसका ऐप है ये रहा फोरियो का ऐप, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्शन है इसके अंदर। सो 30 सेकेंड तक आप अच्छे से मसाज करो, ये आपके टारगेटेड एरियाज पे वर्क करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये,
एंड जो भी सैगी स्किन है उसको हटाता है. इवन आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होता है अगर आप मसाजिंग क्रीम या सिरम लगा के मसाज कर रहे हो. तो इसमें टी सोनिक पल्सेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. इतना सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश है ये कि बिल्कुल इरिटेट नहीं करता. जितनी भी सेंसिटिव स्किन है उसको बहुत अच्छे से सूट करता है. इसका ब्रश चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. चार्जेबल है, एक बार बैटरी चार्ज कर ली आपने तो. मैं बता रही हूँ इसे मैंने 2 या 3 महीने से चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने लास्ट स्टोरी डाली थी जब ये मुझे रिसीव हुआ था. तो बिल्कुल चेंज नहीं करना पड़ता. और आप अपना जब फेस वॉश करो तो इसे भी इसको वॉश करना है ताकि इसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स ना रह जाए. ये वाटर प्रूफ है गाइस. सो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है इसके साथ ये मेरे मेकअप को रिमूव करने में या फिर मैं कोई सीरम वगैरह अप्लाई करी मसाज करने में बहुत हेल्पफुल है. स्किन बहुत अच्छे से मसाज ये स्किन को बहुत अच्छे से मसाज करता है. एंड मेरे को इसको जब भी मैं फील करती हूँ टच करती हूँ मुझे इसका ये सिलिकॉन जो ब्रशेज हैं ये बहुत ही सॉफ्ट है, स्किन पे हार्श नहीं है. सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि ब्रशेज जो हैं वो स्किन पे बहुत ही सॉफ्ट है. चाहे कोई भी क्लींजर यूज़ करो या कुछ भी यूज़ करो तो बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है अगर आप मेकअप को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो. और अगर आप देखोगे आजकल मुझे ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि मेकअप को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ. डेली नहीं यूज़ कर रही हूँ तो 2 या 3 इन अ वीक में यूज़ कर लेती हूँ. तो दिस इज वर्थ बाइंग प्रोडक्ट. आई कैन से एक्सपेंसिव है बट वर्थ बाइंग है क्योंकि हर एक्सपेंसिव चीज वर्थ बाइंग है या नहीं मैं नहीं बोल सकती. बट ये जो लूना 3 है ये वर्थ बाइंग है. यहाँ पे बटन है इसका, यू कैन सी ब्लू लाइट स्टार्ट हो जाती है एंड बहुत ही सूदिंग एंड सेटिस्फाइंग लगता है ये मुझे. ये जो वाइब्रेट कर करके बताता है कि भाई हम बंद होने वाले हैं वो बहुत अच्छा है. और आप इसे रीस्टार्ट भी कर सकते हो. ऐसा कि नहीं है कि आपको एक ही बार करना है. आपको अगर अच्छे से क्लीन फेस नहीं मिला तो आप दोबारा से रीस्टार्ट करके से यूज कर सकते हो. सो ये मेरा काफी अच्छा प्रोडक्ट है और मेरे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में मेरा वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है. और नेक्स्ट आई हैव, अच्छा बाय द वे मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस. सो इन केस यू वांट टू चेक आउट, इन केस यू वांट टू बाय, आप इन्वेस्ट करके देखो, आप पसंद आएगा आपको. ऐसे एक्सपेंसिव है बट या अच्छा प्रोडक्ट है. नेक्स्ट एक्सपेंसिव में अगर मैं बात कर रही हूँ मेकअप में तो आई हैव हुडा ब्यूटी के आई शेडो. आई थिंक मेरे पास इस रेंज में भी कुछ होंगे जरूर. मुझे जो लगता है वो यही है. 5,500 का ये पैलेट है. दिस इज न्यू हुडा ब्यूटी पैलेट. इस तरीके कुछ है. शेड्स इसके काफी न्यूट्रल हैं. इसमें आपको ग्लिटर्स मिल रहे हैं, शिमर्स मिल रहे हैं. एंड अभी तो मैंने कुछ यूज नहीं किया था बट मुझे शेड्स बहुत पसंद आते हैं इसके, मैंने लगा लिया. ओके नाउ दिस इज ब्यूटीफुल पैलेट एंड मैं चाहती थी लेना तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया. ये मैंने खुद बाय किया था. ये 5,500 का था जब मैंने लिया था, कोई डिस्काउंट नहीं था. आई हैव अनदर हुडा ब्यूटी पैलेट. ये रोज गोल्ड पैलेट है. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट. बाय गॉड की कसम बहुत ही खूबसूरत इसका ये रोज गोल्ड शेड जो है ना, मैं जब भी इसे खोलती हूँ मुझे अपनी आंखों पर चाहिए. क्यों मुझे नहीं पता बट मुझे ये कलर बहुत पसंद है. सी गाइस ये बहुत ही सुंदर कलर है. इससे आप बहुत सारे मेकअप लुक्स क्रिएट कर सकते हो. ये वन ऑफ द बेस्ट हुडा ब्यूटी पैलेट है. ये भी सेम प्राइस में है बट ये मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट मिला था. बट आई सेड कि मेरे पास क्या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो मैं शेयर कर रही हूँ. तो दोनों ही सेम प्राइस के हैं. ओके नेक्स्ट आई हैव महंगा हाईलाइटर. तो मैंने महंगा हाईलाइटर लिया था. ये मैक का हाईलाइटर है. ये है शो गोल एक्स्ट्रा डायमेंशन स्किन फिनिश हाईलाइटर. पिंक कलर में है. मेरे पास है सॉफ्ट एंड जेंटल मैक का जो कि मुझे कॉस्ट किया था 2,800 रुपीज़ बट इसने मुझे कॉस्ट किया था 3,200 रुपीज़. सो गाइज एक हाईलाइटर के लिए 3,500 के आसपास प्राइस इज अ एक्सपेंसिव प्राइस मुझे लगता है. आपको 300, 400, 500, 700 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे हाईलाइटर्स मिल जाते हैं. बट मुझे पर्सनली ये अच्छा लग रहा था कि मुझे चाहिए इसलिए मैंने इसे बाय किया था. मैंने शेयर किया था ये लास्ट दिसंबर 2019 में मैं लिया है. मुझे कलर सब कुछ बहुत पसंद है बट मुझे ऐसा लगता है कि डे टाइम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा चौकी है, शिमरी है एंड मुझे सटल टाइप्स ग्लो हो, शिमर ना हो, मुझे ऐसे हाईलाइटर्स नहीं पसंद. तो इट इज़ ब्यूटिफुल. मैं ये नहीं कहूँगी मुझे रिग्रेट है बिल्कुल भी, मेरे को बहुत पसंद है. तो या मुझे पसंद है. अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगी सॉफ्ट एंड जेंटल पे आप जाएं अगर एक्सपेंसिव में जाना चाहेंगे तो, क्योंकि वो हर स्किन टोन पे जाता है. वो काफ़ी प्यारा सटल सा हाईलाइटर है. ऑलराइट यू गाइस, नेक्स्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट आई हैव
विद मी इज माय दिस वॉच. ये है वॉच, ये मेरी माइकल कॉर्स की वॉच है. दिस इज माय वॉच, इट्स अ माइकल कॉर्स की वॉच. गोल्ड में है या कुछ सॉफ्ट गोल्ड में है. इसका जो प्राइस था वो समवेयर अराउंड 17,000 रुपीज है. एंड इट्स अ गिफ्ट अगेन जो कि मुझे दिया है मयंक ने पिछले साल उसने मुझे दिया था 2019 में. या 2019 में उसने मुझे ये गिफ्ट किया था. तो मेरे पास है ये वॉच. इसके अलावा मेरे पास है डैनियल वेलिंगटन की भी वॉच है जो कि कुछ 15,000 कॉस्ट करती है, बट ये उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो या आई हैव दिस वॉच विद मी. तो मुझे पसंद है और मैं इसे अपने हमेशा अपने पास रखती हूँ, पहनती भी हूँ. तो नेक्स्ट व्हाट आई हैव, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो मेरा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मैं बात कर रही हूँ ये डायसन एयर रैप स्मूथ एंड कंट्रोल. ये एक पूरा किट है जिसके अंदर आपको काफी सारे अटैचमेंट मिलते हैं. सो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ. ये मेरा बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है गाइस. दिस इज हाउ इट लुक्स. इट कम्स इस तरीके के केस में. ओके ओपन हो जाओ भाई साहब. तो बहुत ही प्यारा वेलवेट ब्लैक कलर का है. इसमें काफी सारे अटैचमेंट है आप मेरे देख सकते हो. और इसका जो कॉर्ड एंड बाकी अटैचमेंट है वो ये रहे. तो मैं इसको बहुत ही रेयर यूज करती हूँ. मैं इसका सबसे ज्यादा जो यूज करती हूँ वो है ये मेरा ड्रायर. आई लव 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 दिस ड्रायर सो मच. क्योंकि मैं इसकी सेटिंग रखती हूँ कूल पे और मैं बिल्कुल हीट यूज नहीं करती. वैसे मैं इसे यूज करती हूँ वंस इन अ वीक क्योंकि मैं अपने बालों को यू नो नॉर्मल एयर से, यानी जो नॉर्मल तरीका होता है सुखाने का, वो क्योंकि है ही कितने से, थोड़े से तो हैं, तो क्या जरूरत है. तो इसके अलावा भी इसमें काफी सारी सेटिंग्स हैं. ये इसने मुझे कॉस्ट किया 40,000 रुपीज गाइस. ये 40,000 का है. आई नो बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि बहुत एक्सपेंसिव है, इतना क्यों बर्बाद कर दिया. कभी कभी चीजें ऐसी होती है ना कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस कुछ होती हैं और निकलता कुछ है. तो बस मेरी एक्सपेक्टेशंस के साथ कुछ और थी और मुझे कुछ और ही लगा. हो सकता है मैं भी इसे यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ तो इसलिए मुझे उतना नहीं, बट मुझे पर्सनली इसका हेयर ड्रायर और ये स्मूथनिंग ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो इससे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं. एंड इसलिए मैंने इसे इसलिए भी बाय किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे बालों में ज़्यादा डैमेज हो, हीट ज़्यादा यूज़ हो. तो इसकी वजह से यू नो ये एयर रैप, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हवा की ज़रूरत होती है और प्लग में लगाना होता है. सो ये मुझे 40,000 रुपीज का डायसन का है. रिसेंट में भी डायसन का एक और लॉन्च हुआ है जो मैं प्लान कर रही थी, फिर मैंने कहा नो सेवन नो. सो मेरा ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जो मेरे पास है, जो मैंने खुद खरीदा है, डायसन एयर रैप. ओके तो नेक्स्ट की बात करती हूँ मैं यहाँ पे. तो आई हैव माई आईफोन 11. क्या मेरे पास ये भी बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्या होंगे, एक्सपेंसिव थिंग जो मेरे पास है खुद की, मेरा ये फोन. अगर इस ये मेरे पास ना होता, जनवरी में मैंने लिया था, तो मेरे पास है मेरा वन प्लस सिक्स जो कि आराम से 40,000 का था. ये इसने मुझे कॉस्ट किया था 70,000 रुपीज. तो ये वाइट इन कलर में है, बहुत दिल के करीब है क्योंकि व्हाट्स इन माय फोन आप जानते हो. मैंने वीडियो नहीं किया बट फोन जो है वो आजकल लाइफ होती है और इसमें मेरी इतनी सारी वीडियोज पेंडिंग, सारी चीजें, मेल, सब कुछ मुझे देखना होता है. सो या मेरा वॉलपेपर. तो दिस इज माय मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट प्रीशियस थिंग दैट आई हैव इन माय लाइफ. जब चेंज होगा तो पता नहीं कब होगा. ओके सो इसके साथ यू नो इनके साथ इनकी छोटी सी गर्लफ्रेंड भी है जो कि है ये आईफोन के एयरपॉड्स. और ये गिफ्ट है, आपने देखा होगा, ये मेरा भी रिसेंट में गिफ्ट में मुझे मिला था फ्रॉम मयंक. तो मुझे मयंक ने गिफ्ट किया था बट आई हैव दिस विद मी. तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और ये कॉस्ट करता है 16,000 रुपीज. तो ये न्यू वाले थे आई गेस. या तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं 8 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो मेरे पास हैं. नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही एक्सपेंसिव है फॉर मी और मेरे लिए बहुत खास है, बहुत दिल के करीब है. थैंक्स टू शाई फैम, थैंक्स टू माई गॉड, सबको शुक्रिया. और वो है मेरा खुद का घर. यस आई हैव माई ओन हाउस. बहुत ही यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका होगा. खुद का घर तो सबका होता है, मम्मी पापा के साथ रहते हैं अगर नए जुड़े होंगे तो. गाइस मम्मी पापा का घर है बट मेरा खुद का लिया हुआ खुद के पैसों का घर भी है जो कि है जिसमें मैं बैठी हूँ. ये 3 BHK फ्लैट है जो मैंने लिया है इन दिल्ली. सो या मैं दिल्ली की हूँ तो ये मेरा खुद का फ्लैट है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है. यू नो
ये समझ लो अराउंड 40 लाख के आसपास है। मैं एग्जैक्टली प्राइस नहीं बता सकती क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो या ये मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग ही कहूँगी, थिंग दैट आई हैव इज माई ओन हाउस। मैं इसका बहुत जल्दी हाउस टूर बनाने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड कि घर मैंने कैसे सजाया है। इसमें भी काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मैंने रखी हैं डेकोर में, बेड में, यू नो फर्नीचर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। सो आई एम सो थैंकफुल एंड सो ब्लेस्ड कि आप मेरे शाई फैम हो। एंड गॉड के लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, ऊपर वाले को बहुत शुक्रिया कहती हूँ। ये मेरे पास है, इसका मैं बहुत कद्र करती हूँ। ये मेरे खुद के पैसों से, कमाए हुए पैसों से घर है। नेक्स्ट जो है वो मैंने आई हैव माई ओन कार गाइज। मुझे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा नहीं आती बट I have my own car, that is i10, जो मेरी पुरानी कार है। मैंने रिसेंट में बाय की है मेरी खुद की न्यू कार। आपने इंस्टाग्राम में पोस्ट देखा होगा, दैट इज किया सेल्टोस। I bought it with my own money, guys. So, ये मैंने अभी जस्ट नवंबर में ली है, इसकी डिलीवरी नहीं हुई है गाइज। तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा व्लॉग शूट किया है जो कि बहुत ही पेंडिंग है। और मैंने ली है टॉप मॉडल। इंस्टाग्राम में मैंने एक पोस्ट भी डाला था जो कि व्हाइट कलर का है, बट मेरी कार का कलर व्हाइट नहीं है। एंड टॉप मॉडल इसलिए कि मैं चाहती थी मैं ऑटोमेटिक चलाऊँ, मेरे को इन गियर्स वगैरह में बहुत दिक्कत होती है। सो इस वजह से मैंने ली है। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी कि मेरा गाड़ी का कलर क्या है एंड वो बहुत खूबसूरत है। सो मैंने ली है फाइनली किया सेल्टोस, यहाँ रिवील कर दिया है मैंने। बट या तो मेरे पास मेरी खुद की कार भी है, जो अब तो दो हो गई, दोनों ही कार मेरे नाम पे ही हैं, तो दो हो गई हैं मेरे पास। i10 है एंड सेल्टोस, जो मुझे 70 लाख की पड़ी है। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट आई हैव, और ये सारी चीज़ें मेरी खुद की हैं। सो गाइज, ये टॉप 10 थिंग्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, जो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। और मैंने यू नो छोटे से शुरू किया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। कोई शो ऑफ नहीं है, कुछ नहीं है गाइज। ये सिर्फ जो चीज़ें मेरे पास हैं, मैंने कुछ चीज़ें खुद से कमाई हैं और आपके साथ शेयर करी हूँ। कुछ चीज़ें गिफ्टेड हैं, वो सारी आपके साथ शेयर करी। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि टॉप 10 थिंग्स जो बहुत ही चीप मेरे पास हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। Please do like, share, subscribe to my channel. Don't forget to follow me on Instagram. Bye.